हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्सेल मैजिक ट्रिक। आज मैं आपको इंडेक्स विद मैच का पार्ट टू बताऊंगा। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर जिस लुकअप वैल्यू से, अगर जिस मास्टर डेटा से आपको डेटा उठाना है, अगर वो वैल्यू आपकी आखिरी में है, मतलब लास्ट में है, और जिस जहाँ आपको रिजल्ट लेके आना है वहाँ पर फर्स्ट में है, तो आपने क्या किस तरीके से आपने इंडेक्स विद मैच का यूज़ करना सीखा। इस वाली वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि अगर आपको डेटा लेके आना है आपके जहाँ पे आपको रिजल्ट निकालना है जो जिस भी मास्टर से, तो वहाँ कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने टेबल एक्स ले रखी है, टेबल वाई ले रखी है। यहाँ टेबल वाई में जो हम लेके आएंगे, मतलब यूज़ करेंगे इंडेक्स विद मैच, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इम्प्लॉई कोड है, और इसमें इम्प्लॉई कोड कहाँ पर, बीच में। तो बीच में है तो कैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इम्प्लॉय कोड बीच में है और अगला है हमारा आईफोन, मतलब आईफोन में कितना इसका सेल्स हुई है, ये हमारा सेल्स का डेटा। तो आईफोन की कितनी सेल्स हुई आप देख रहे होंगे इम्प्लॉय कोड के बाद आईफोन हमारा यहाँ है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन ये होगी वी लुकअप लगेगा कि इंडेक्स विद मैच लगेगा। तो मैं आज की वीडियो में यही आपका डाउट क्लियर करूँगा कि आईफोन अगर आपका, मतलब आप जिस जगह पर आप वी लुकअप लगा रहे, जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आप वी लुकअप का ही यूज़ करेंगे कि इंडेक्स का मैच करेंगे, तो किस, मतलब किस लॉजिक को हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला लगा के हम वन टाइम में हम अपनी एरर से बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो बनाऊं उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आखिरी में लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इंडेक्स विद मैच का पार्ट टू। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ टेबल वाई में मेरे को आईफोन का काउंट चाहिए कि आईफोन का काउंट कितना आया है, कितना है हमारी टेबल एक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर आईफोन है, आईफोन अगर आप देख रहे होंगे तो आईफोन में आप आराम से आप वी लुकअप लगा सकते थे, बट आप इसके बाद देख रहे होंगे सेकेंड नोकिया है, नोकिया देखिए इसके आगे नोकिया कहीं नहीं है, क्या है पीछे, मतलब इस जहाँ से हमको लुकअप वैल्यू लगानी इसके पीछे है नोकिया। उसके बाद क्या हमारा एप्पल है, फिर एप्पल हमारा क्या हो गया, फिर आगे आ गया। तो ऐसे में आपको कौन सा फॉर्मूला लगे, आप ऐसा तो नहीं आप यहाँ पर पहले आईफोन के लिए वी लुकअप लगा देंगे, फिर नोकिया के लिए इंडेक्स लगा देंगे, फिर इसके लिए वी लुकअप लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसको आपको वन टाइम में एक ही फॉर्मूले से करना है। आपको वहाँ पर हेडिंग में ज़्यादातर इंटरव्यू में ये भी लिखा होता है कि आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करके करना है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि आपको इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है कि आपको वी लुकअप विद मैच का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैच का काम क्या होता है कि वो जितनी भी आप जिस भी वैल्यू से मैच करा रहे हैं मास्टर डेटा से, वो अगर आपके आगे हो, पीछे हो, दाएँ हो, कहीं पर भी, वो मैच करके आपको वैल्यू, एडजस्ट वैल्यू जितनी भी होती है वो लेके आएगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप वी लुकअप लगाएंगे तो आपका यहाँ की तो वैल्यू आ जाएंगी बट पीछे की वैल्यू नहीं आ पाएंगी जो यहाँ नोकिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम इंडेक्स विद मैच का ही यूज़ करेंगे। तो क्या हम उसी तरीके से करेंगे और आ जाएगा कि नहीं आएगा, इसी लिए मैं ये सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी इंडेक्स विद मैच में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में या फिर अपने ऑफिस में यूज़ करें तो आपको बिना किसी एरर के अपने वन टाइम में आपका आराम से हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो से आप बिल्कुल, आपको हेल्प मिलेगी, आप परफेक्ट हो जाएंगे इंडेक्स विद मैच में, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर इंडेक्स विद मैच लगा रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, एरे लगाएंगे, एरे क्या हमारा इस टेबल से हमें उठाना डेटा, तो इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फ्रीज कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा डेटा बिल्कुल भी इसकी रेंज बढ़े ना। ठीक है, कोमा डालेंगे, फिर मैच लगाएंगे हम। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैच, मेरे को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई करें इसमें, जैसे M लिखा, M के बाद मैच आ गया, तो अपनी कीबोर्ड में टैब दबाएंगे तो मैच सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, ये हमारी लुकअप वैल्यू कि जिससे हम, ये मैच आपका बताता है कि किससे आपको इस टेबल में मास्टर डेटा से मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, F4 को फ्रीज़ नहीं करेंगे, हम P को फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए, नीचे भी चाहिए डेटा। अगर हमारा ऐसे ही डेटा चलता है तो हम सिर्फ 4 को फ्रीज़ करते, क्योंकि हमारे 4 में ही होगा डेटा, 5 में नहीं आना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पी को फ्रीज़ करेंगे, 4 को नहीं फ्रीज़ करेंगे। ठीक है, कोमा, उसके बाद हमारा लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या है, इस टेबल में इसके थ्रू में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको इसको मैच करा सकते हैं, तो क्या हमारा इम्प्लॉय कोड है,
तो इम्प्लॉय कोड को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कोमा डालेंगे, फॉल्स वैल्यू आपकी क्या है, ऑलवेज ज़ीरो रहेगी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर अगला जो हम मैच स्टार्ट करेंगे कोमा डाल के, जो मैंने अभी दोबारा कोमा डाला, इसमें क्या करेंगे हम, जो ऊपर की हेडिंग है इस मास्टर डेटा में, जहाँ पर उसको हेडिंग वो मिलेगी, और उस इम्प्लॉय में जितनी भी उसने सेल्स करी है उस फ़ोन में, उसका वो मैच काउंट करके यहाँ पर लेके आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोबारा मैच